आई हैं, जो उनके दिल को तकलीफ पहुंची है, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है और पाकिस्तान को आजाद हुए अब 62 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो सेक्रीफाइसेस आज दोबारा मैं अभी दोबारा उसको रिपीट करूंगा, जो सेक्रीफाइसेस उर्दू स्पीकिंग की हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और ये मत भूलें कि उर्दू स्पीकिंग सिर्फ एमक्यूएम में नहीं है, उर्दू स्पीकिंग सब पार्टीज में है। हमारी पार्टी की आप हायरार्की देख लें, आपको सेनेटर भी नजर आएंगे, मिनिस्टर भी नजर आएंगे और टॉप पोजीशन में वो लोग हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए मैं दोबारा अर्ज करूंगा अपने सारे बुजुर्गों से, उर्दू स्पीकिंग से, जवानों से, बहनों से, बच्चों से कि हम उसकी माफी चाहते हैं जितनी भी उनकी दिलादारी हुई। जहां तक तल्लक है अल्ताफ भाई का, अल्ताफ भाई एक नेशनल लीडर है, इज अ विजनरी। जमहूरियत के जिस सफर में हम शुरू हुए, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करूंगा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब ने फैसला किया पाकिस्तान आने का, तो पहला कांटेक्ट उन्होंने अल्ताफ भाई से किया, जिसमें मेरी जिम्मेदारी लगी। मैं उनके तीन अहम साथियों को, विक्ट्री क्लब है एक लंदन, वहां मिला और उस मीटिंग की रिपोर्ट जब मैंने मोहतरमा को दी तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई के साथ मिलकर चलना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एमक्यूएम का और पीपी का साथ जो है सिंध की अवाम बलखसूस के लिए बहुत जरूरी है और अल्ताफ भाई की पार्टी को भी नेशनल लेवल पे आना चाहिए। ये उसी एक कॉन्टैक्ट का नतीजा था। आपको याद होगा कि मोहतरमा जब तशरीफ लाई तो उस वक्त जो डिक्टेटर था उसने उनका रास्ता बंद करने की कोशिश की और अल्ताफ भाई की और मोहतरमा की जो बातचीत हुई उसमें यही एमक्यूएम था, यही मेरे उर्दू स्पीकिंग नौजवान दोस्त थे जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की बातों का फायदा कोई नहीं है, हमें एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट से अगर अल्ताफ भाई की दलदारी हुई है, जो होनी चाहिए थी जिस तरीके से हुई, तो मैं उनसे भी माजरत खा हूं। बेसिकली जरूरी क्या है कि इस वक्त अमन, और कराची में अमन, मैं पहले भी कहता हूं कि एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी जब मिलकर इसका फैसला नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो कराची में अमन कायम नहीं हो सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अल्ताफ भाई के साथ मेरा 4 साल का 1-to-1 एक वास्ता है, मैं उनके दिल को भी समझता हूं, बड़े दिल वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन हालात में जो कुछ हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए और कौम का जो इंटरेस्ट है, जो मफादात हैं कौम को, उनको मद्देनजर रखते हुए वो अपने जितने भी वर्कर हैं उनको तलकीन करेंगे कि ये जो हंगामाराई हो रही है और वो बड़े सब्र से काम लें, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त खतरे में घिरा हुआ है उस किसी मजीद ऐसे वाकया या इस तरह के वाकयात को नहीं सह सकता। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बात की है ये मैंने अपनी लीडरशिप के बिहाफ पे की है और कल हम सब लोग परेशान थे उस स्टेटमेंट के बाद और आपने देखा कि जितनी हमारी सीनियर लीडरशिप है सब ने उसको डिसओन किया है और पर्सनल लेवल पे हुआ है। इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अब वो देखिए हमारा एक मिनिस्टर उनको साथ लेके गया है। मैं मानता हूं कि जज्बात में बहुत कुछ कहा जाता है, जज्बात में जैसे मेरे एक साथी ने कहा है 2 दिन पहले 9-0 से भी एक उनके साथी ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी। तो मैं ये समझता हूं कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी दोनों तरफ की लीडरशिप से जो कि इस वक्त कराची में है कि आप सब्र से काम लें और पाकिस्तान की बका के लिए मिलजुल कर काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी आज हड़ताल में शामिल हैं या डर को खौफ की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, मेरी अपील होगी कि वो अपना काम शुरू करें और उनके तहफ्फुज़, उनकी पूरी हिफाजत के लिए पूरे इंतजाम किए हैं और रेंजर्स पुलिस हैज बीन आस्क्ड टू इंश्योर दी लाइफ एंड दी प्रॉपर्टी ऑफ दी पीपल ऑफ कराची। तो मेरी एक आप शर्त होगी कि आप भी मीडिया से भी मेरी अपील होगी कि जरा थोड़ी सी रिपोर्टिंग कभी अच्छी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैंने बलूचिस्तान से कहा कि अगर 100 बंदा मरता है तो 70 लोग जो होते हैं वो पर्सनल फ्यूड की वजह से होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने बीवी और मियाँ की लड़ाई, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की लड़ाई के काफी वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए और जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और मैं जब सुबह सुर्खियां देख रहा हूं तो माशाल्लाह उसमें लिखा है, मलिक साहब ने कहा 70% मौत जो होती हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्लीज फॉर गॉड सेक गो बैक एंड रेफर टू माय स्टेटमेंट। अगर उसको आपने सनसनीखेज बनाना है
या उसको एक हेडलाइन बनाना है और उसकी अपनी रेटिंग बढ़ानी है, तो मुझे वैसे कह दो, मैं जाकर टीवी पे स्टेटमेंट दे दूंगा, आपकी रेटिंग में बढ़ा दूंगा। फॉर गॉड सेव डू नॉट प्ले विद द स्टेटमेंट्स। जैसे आज मैंने किया बात, आई होप इट विल गो पॉजिटिव। आई एम कैटेगोरिकल कि ये जो सियासी मंजरनामा आ रहा है इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत में सियासत के तौर पर हमें चलना चाहिए, सियासत को जाति जंग में तब्दील नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी इस जो मैंने स्टेटमेंट आज दी है, जो दिल की मैंने अपनी गहराइयों से बात की है, वो मैं नहीं कह रहा, पूरी काम कर रही है, मेरी पूरी पार्टी कह रही है। कल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनने बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स दी, मैं सबको एंडोर्स करता हूं। और मैंने उन्हें कहा कि जिस किस्म की उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा। आज 500 बंदा जो एफसी का भी भेज दिया, और मजीद भी चाहिए तो वो भी भेजेंगे। जितनी फोर्स की जरूरत है सिंध को देंगे, लेकिन इसलिए कि वहां अमन कायम हो सके। और उस अमन को कायम करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हमारी लीडरशिप का बहुत रोल है। और मेरी फाइनल फिर अपील होगी अल्ताफ भाई से, थोड़ी दरगुदर करें, मुल्क की खातर, काम की खातर। ऐसी स्टेटमेंटें पहले आई, हमने एक्शन लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर रिपोर्ट मांग ली है 24 घंटे में वजीर आला सिंध से, उसका भी इंतजार करें। ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जुल्फार मिर्जा साहब की, उस पर चीफ मिनिस्टर सिंध से कहा गया है कि 24 घंटे में रिपोर्ट दें। जहांगीर बद्र साहब ने उसको डिसओन किया है, कायरा साहब ने कल बात की है, वसंत साहब ने बात की है, तो हमारी पूरी लीडरशिप इस पे अपसेट है, क्योंकि ये अनपार्लियामेंट किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। देखें, आप जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो उसका मैं शायद आपको जवाब उस तरह दे सकूं जैसे आप कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि अल्ताफ भाई का कोई मुकाबला नहीं है। अल्ताफ इज द रियल लीडर ऑफ द कम्युनिटी और ही हैज प्रूवन इज फैक्ट। और लीडरशिप का आपकी पता चलता है कि आपकी असेंबली में, सेनेट में क्या से है। तो मैं ये समझता हूं कि अल्ताफ सैन साहब जो एक बड़े लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, हम उनको लीडर तस्लीम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर उनकी दिलाजारी हुई है तो हम उससे भी माजरत का है। आपका जी चेयरमैन नहीं, जी उसका चेयरमैन थे रुबानी साहब, और उनके जाने के बाद आज कल सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट जो है वो कर रहे हैं। मैंने जो हमारा काम था, जो कि हमारे जिम्मे पॉइंट थे, वो हमने सारे ठीक कर दिए। उसमें जो जो कार उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने दे दी थी, और कुछ चीजें रह गई हैं, लाइक एफसी का थोड़ा सा इशू है, उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आगाज़े हकूक़े बलोचिस्तान एक बहुत अच्छा पैकेज है जिसके असरात आपके सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि बलोचिस्तान सबसे अमीर तरीन सूबा होगा इंशाल्लाह। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वादा किया था अपने बलोचिस्तान की आवाम से, उन्होंने पूरा कर दिखाया, और आगे कैसे लेके चलना वो भी कहा। और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, उनको भी मौका फराहम हुआ है कि आए बात करें। जैसे मैंने कल कहा था कि जो पाकिस्तान का हामी है, जो पाकिस्तान के फ्लैग की इज्जत करता है, हम जहां चाहें वहां बैठ जाएंगे, बातचीत कर लेंगे। आज भी अगर जो गुस्से में हैं और जो चाहते हैं पहाड़ों से उतर आए, मैं कुछ नहीं चाहता, एक जमीन पर बैठ जाएं और परचम जो है पाकिस्तान को उसको लहरा के जो चीज मांगते हैं हम देते हैं, लेकिन परचम जलाकर नहीं, परचम को लहरा कर। थैंक यू जी।